ओके, तो अगर आपने बिहार बोर्ड 10th का एग्ज़ाम या फिर CBSE बोर्ड का एग्ज़ाम दिया है तो दिस वीडियो इज काफ़ी यूजफुल फॉर यू। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल है और इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आज मैंने एक न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल पढ़ा, उसमें लिखा हुआ क्या था, सबसे पहले मैं आपको ये बता दे रहा हूँ। बहुत सारे लोगों के पास ये कॉल आ रहा है कि आप हमें 20,000 दो, हम आपको फर्स्ट डिवीज़न दिला देंगे। आप हमें 15,000 दो, हम आपको सेकेंड डिवीज़न जो है वो दिला देंगे, ठीक है। या फिर ऐसा भी लिखा हुआ है कि उनके पास कॉल आ रहा है और ये बताया जा रहा है कि आप जो हैं वो बोर्ड एग्ज़ाम में वो फेल हो चुके हैं। अगर आपको पास होना है तो आप हमें इतना अमाउंट दें, हम आपको पास कर देंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे एक चीज़ समझने की काफ़ी ज़रूरत है, वो ये है कि जो कॉपी चेक होता है ना, उस पे जो आपका नेम वगैरह, एड्रेस, पिन कोड कुछ भी नहीं रहता है। जो आपका कॉपी चेक होता है वहाँ पे कुछ भी नहीं रहता, नथिंग, नॉट इवन योर सिंगल इन्फॉर्मेशन। आपका वहाँ पे एक सिंगल इन्फॉर्मेशन भी नहीं रहता है। तो आप इस बात को समझो, कॉपी चेक करने के प्रोसेस क्या होती है। मैंने बहुत सारे टीचर से पूछा तो हमें उन्होंने ये बताया था, ठीक है, सॉरी, उन्होंने हमें ये बताया कि जो कॉपी चेकिंग होता है वो बार कोडिंग सिस्टम लगा दिया जाता है। एक कोडिंग आपके जो आंसर शीट है, जिस पर आप एक आंसर लिखते हो उस पे चिपका दिया जाता है, और एक आपका जो है वो मेन इन्फॉर्मेशन पे, तो दोनों मैच होता है। और जो आपका इन्फॉर्मेशन वाला जो होम पेज रहता है, जिसे आप बोल सकते हो, उसे वो है फाड़ के खुद अपने पास रख लिया जाता है। और आपका जो कॉपी चेक करने का जो टीचर बैठा रहता है, वो आपका सिर्फ आंसर और क्वेश्चन मिलाएगा, ठीक है। अब जो लिखे हो वही नंबर देगा, आपका वहाँ पे कोई नंबर नहीं रहता है, कोई इन्फॉर्मेशन, कोई डिटेल्स नहीं रहता है। हियर आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन कि नॉट इवन ए सिंगल इन्फॉर्मेशन। और ये जो फ्रॉड है ना, वो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट के साथ बहुत ज़्यादा हो रहा है। वहाँ पे पेपर में यही लिखा हुआ था कि बिहार बोर्ड के जो स्टूडेंट हैं उनके पास ये कॉल आ रहा है कि आप जो हैं वो फेल हो चुके हैं, आप हमको इतना पैसा दें, हम आपको पास कर देंगे। तो बी अवेयर अबाउट सच ए फ्रॉड कॉल, आपको इसे अवेयर रहने की काफ़ी ज़रूरत है, ठीक है। तो मुझे लगा कि ये वीडियो जो है बनाना चाहिए और एक अवेयरनेस फैलाना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे कॉल आते हैं, बहुत सारे कॉल फ्रॉड आते थे, आपके पास इतना लॉटरी लगा है, फला एंड फला। तो अब एग्ज़ाम में भी ऐसा ही हो रहा है, और जो स्टूडेंट थे वो सोचेगा, अच्छा मैं तो फेल हो चुका हूँ, तो मुझे 10,000 दे देना, 20,000। तो वैसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आपको पास फ़ोन आएगा और वो आपको पास कर देगा। आई डोंट नो वेयर फ्रॉडर और चीटर गेट नंबर, वो नंबर आपको कहाँ से मिल जाता है वो नहीं पता। बट जो कॉपी चेक करता है उसको आपको सिर्फ आंसर शीट में आपका ऊपर वाला फाड़ दिया जाता है। आप कोई भी बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हो तो आप कोई भी जो टीचर कॉपी चेक करने जाते होंगे, आप उनसे एक बार जो है वो कंसल्ट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो आपका जो सारा इन्फॉर्मेशन वहाँ पर ऊपर वाला फाड़ दिया जाता है और बार कोड चिपका दिया जाता है, ठीक है। तो बहुत सारे कॉल आ रहे हैं, ज़्यादातर ये बिहार बोर्ड का जो 10th का एग्ज़ाम दिए हैं या फिर 12th का, उनके साथ ये सब ज़्यादा होता है, ठीक है। तो क्योंकि वो बहुत सारे जो लोग हैं वो रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, तो ऐसा आपको थोड़ा सा सिर्फ ध्यान रखना है और ऐसे ऐसे फ्रॉड कॉल से बचना है। ऐसा कभी नहीं होगा कि वो पैसा लेकर के आपको पास कर देगा, ठीक है। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन वीडियो है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, और अगर लगा कि वीडियो में कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन बताया गया है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।